शहर की हर छोटी से बड़ी खबर वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती है। सो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, तो क्योंकि हर अपने शहर की जितनी भी गतिविधियां हैं हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और ये एकमात्र न्यूज़ चैनल ऐसा है जो आपको हर छोटी से छोटी न्यूज़ आपके आपको ये टाइम से पहले पहुंचा रहे हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और औरों को भी मोटिवेट करो ये सब करने के लिए। पानीपत शहर के सेक्टर 11 स्थित मशहूर डॉक्टर जीसी गुप्ता पर लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर जीसी गुप्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने लिख के दिया है, जिस पर हमने FIR दर्ज की है। डॉक्टर के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक महिला पेशेंट के पेट में पट्टियां और स्पंज छोड़ दी और यूं ही टाके लगा दिए। जल्दी इसमें अरेस्ट करेंगे। जब महिला को पेट में दर्द रहने लगा तो उसने डॉक्टर को इस बारे में बताया। आरोप है कि डॉक्टर जीसी गुप्ता ने उसकी एक ना सुनी। ऑलमोस्ट हमारी जांच पूरी हो चुकी है, बस इसमें किस डॉक्टर ने इसको ऑपरेट किया था जीसी गुप्ता हॉस्पिटल में, किसके उसको गिरफ्तार किया जाए। महिला ने किसी दूसरे अस्पताल से सीटी स्कैन करवाकर ऑपरेशन करवाया तो मामले का खुलासा हुआ। महिला की शिकायत पर पानीपत सिविल अस्पताल CMO द्वारा गठित टीम ने जांच की। जांच में आरोप सही मिले जिसके बाद FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई। इसी आधार पर पुलिस ने डॉक्टर जीसी गुप्ता के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोई महिला ने जून जुलाई 2021 में इलाज कराया था डॉक्टर जीसी गुप्ता हॉस्पिटल में, उसके बाद उसको कुछ दोबारा पीड़ा होने लगी, पेट का वगैरह ऑपरेशन था वो, तो उन्होंने उसको फिर दोबारा दूसरे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया 2022 में, अप्रैल 2022 में, तो उसमें उसके वहाँ से स्पंज गोज वगैरह ऑपरेशन के दौरान निकले। उस बेस पे शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत दी थी, उस पर हमने CMO डॉक्टर साहब से पूरे डॉक्यूमेंट्स दे के बोर्ड गठित करके उसमें कोई डॉक्टर की लापरवाही बनती है नहीं बनती है उस विषय में जवाब मांगा गया था, जिस पर उनकी टीम द्वारा डॉक्टर जीसी गुप्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने लिख के दिया है, जिस पर हमने FIR दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि वो गांव सिवा पानीपत की रहने वाली है। साल 2021 में उसके पेट में गांठ थी जिसका इलाज करवाने के लिए वो शहर के सेक्टर 11 स्थित डॉक्टर जीसी गुप्ता अस्पताल में 13 जुलाई को गई थी, जहां डॉक्टर जीसी गुप्ता ने कहा कि उसके पेट में गांठ है जिसका ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। महिला का कहना है कि डॉक्टर जीसी गुप्ता की बात मानकर ऑपरेशन के लिए उसी दिन अस्पताल में दाखिल हो गई। 15 जुलाई उसके पेट का ऑपरेशन उसके पति व मामी की मौजूदगी में डॉक्टर जीसी गुप्ता ने किया। 19 जुलाई को डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद वो नियमित रूप से डॉक्टर जीसी गुप्ता के बताए अनुसार दवाइयां लेती रही, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला, जिसके बाद वो डॉक्टर जीसी गुप्ता से मिली, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने उसकी बात और दर्द को अनदेखा कर दिया। 2-3 महीने तक जब उसके पेट में दर्द से कोई राहत नहीं मिली तो एक महिला डॉक्टर ने उसे सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी, जिसके बाद उसने विशन स्वरूप कॉलोनी से सिटी स्कैन करवाया, जिसकी रिपोर्ट देखकर महिला डॉक्टर ने उसे तुरंत बरसत रोड स्थित एक अस्पताल में जाने की सलाह दी। सलाह के अनुसार वे वहां गए, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद उन्हें बताया कि पिछले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से पेट में पट्टियां और स्पंज छोड़े गए हैं, इनके अंदर रहते हुए पेट में टाके लगा दिए गए। दूसरे ऑपरेशन के दौरान पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। दूसरा ऑपरेशन कर उसके पेट से पट्टियां और स्पंज निकाला गया है। महिला ने बताया कि डॉक्टर जीसी गुप्ता की लापरवाही से उसके स्वास्थ्य की बहुत बड़ी हानि हुई है, जिस लापरवाही से उसकी जान भी जा सकती थी, जिसकी लापरवाही के कारण वो आज तक ठीक नहीं हो पाई है। वहीं चांदनी बाग थाना प्रभारी महिपाल का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जिस डॉक्टर की भी लापरवाही होगी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने हमें शिकायत दी थी, उस पर हमने CMO डॉक्टर साहब से पूरे डॉक्यूमेंट्स दे के बोर्ड गठित करके उसमें कोई डॉक्टर की लापरवाही बनती है नहीं बनती है उस विषय में जवाब मांगा गया था, जिस पर उनकी टीम द्वारा डॉक्टर जीसी गुप्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने लिख के दिया है, जिस पर हमने FIR दर्ज की है।
और अगली प्रोसीडिंग हम अभी कर रहे हैं। इस मामले में सर आगे जांच चल रही है, तो अरेस्टिंग करते हैं। जल्दी इसमें अरेस्ट करेंगे हम। हाँ, जांच पूरी होगी। हाँ, ऑलमोस्ट हमारी जांच पूरी हो चुकी है। बस इसमें किस डॉक्टर ने इसको ऑपरेट किया था, जी सी गुप्ता हॉस्पिटल में किसके, उसको गिरफ्तार किया जाए। जैसे डॉक्टर जी सी गुप्ता ने खुद ऑपरेट ना किया हो, आगे उसके स्टाफ ने या किसी डॉक्टर ने और किया हो, तो डॉक्टर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है डॉक्टर जी सी गुप्ता? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो चीज़ें सामने आएंगी, जो एक्चुअल होगा वो चीज़ होगी। ये कंफर्मेशन है कि मतलब अरेस्टिंग होगी, इसमें लापरवाही रही है? हाँ, डॉक्टर की लापरवाही रही है, उसमें अरेस्ट हो गया। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? ये 337 और 338 आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल इस सारे मामले में लंबी जांच के बाद मामला दर्ज हुआ है और जिस हिसाब से महिला ने सबूत पेश किए हैं उस हिसाब से लापरवाही अवश्य हुई है, तो देखना होगा इस मामले में कब और किसकी गिरफ्तारी होगी। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।